हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रिएक्शन ज़ोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है नेपाली भाषा से प्यार, हिंदी भाषा से नफरत। दार्जिलिंग वालों को इस वीडियो से पता लगेगा। इस वीडियो का जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ है भारतीय संसद में नेपाली भाषा में स्पीच। तो जो भारतीय की संसद है, संसद भवन है, वहाँ पे एक महिला ने नेपाली भाषा में स्पीच दिया। चलिए जानते हैं कौन है वो महिला, क्या है उनका रोल और क्यों दिया उन्होंने नेपाली भाषा में स्पीच, और इस फोटो में ममता बनर्जी की भी फोटो क्यों लगी हुई है, ये जानते हैं हम पूरी डिटेल में इस वीडियो को देखने के बाद। डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा नेपाल के बारे में, नेपाली भाषा के बारे में और इस महिला के बारे में। ओके, ज्यादा वेट नहीं करूंगा, पहले तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। कल और आज शांता छेत्री ने जो राज्यसभा में अपनी बात रखी। सर, मेरा आफ्नो मातृभाषा में बोलने मौका दिनु भएको मा र आज म विशेष गुरुत्वपूर्ण विषय लिएर म मेरो वक्तव्य राख्न चाहन्छु। र यसै वर्ष 2022 सालमा भारतका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यूको अध्यक्षतामा युनियन क्याबिनेटले चार राज्यका अनेकौं जातिलाई संविधानको जनजाति लिस्टमा हाल्न स्वीकृति दियो। सर, फेरि पनि भारतीय गोर्खा बाहेक धेरै जातिलाई जनजातिको लिस्टमा राखिने कार्य हुँदैछ। सर, भारत देशमा भारतीय गोर्खा मात्र होला जसलाई भारतका माननीय प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्री स्वयंले छुटेको गोर्खाहरूलाई जनजाति बनाउनमा ठोस पहल गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो। र सर, तपाईँको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि केन्द्र सरकारले जनजातिको निम्ति 3-3 पल्ट कमिटी त बनाए तर यी भारतीय गोर्खाहरूलाई आँखा छल्ने काम मात्र प्राप्त केही भएन। र जब पनि जनजातिको प्रश्न सोधिन्छ आरजीआईबाट राज्यबाट दस्तावेज आउनुपर्छ भन्छ, तब 3-3 वटा कमिटी त्यस समय किन गठन गरियो मेरो प्रश्न छ। र भारतको केन्द्रका ट्राइबल मिनिस्टरले पठाएको पत्र सङ्ख्या 16017/11/2022 CLM दिनाङ्क 3/6/2022 उल्लेख गरिएको छ कि राज्यबाट पठाएको रिपोर्टलाई आरजीआईले मानिलिएन। र यसकारणले म भन्न चाहन्छु आरजीआईले अहिलेसम्म यी 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउन हेतु के कस्तो दस्तावेज सङ्कलन गरेको छ तथा राज्यहरूले पठाएको दस्तावेजलाई पनि सदनमा पेश गरायोस् जसले गर्दा केन्द्र सरकारलाई यी जातिलाई जनजाति घोषित गर्न सहयोग मिल्नेछ। म आशा राख्छु चाँडै भन्दा पनि चाँडै यस विषयलाई तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गरेर अनि यसको निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै मेरो वक्तव्य शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर, फर अलाउविङ मी टु स्पिक। सर, आई वुड लाइक टु ड्र युर काइन्ड अटेन्सन द्याट द चिल्ड्रेन अफ आवर ब्रेभ सोल्जर्स सफर्स अनटोल्ड पेन बोथ साइकोलोजिकली एन्ड मेटेरियली when they suddenly and unexpectedly lose their parents in the service to the nation. Sir, without a parent, life becomes a misery to the... तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने आज पूरा वीडियो देखा और पूरी वीडियो नेपाली स्पीच में बोली गई है, शांता छेत्री ने राज्यसभा में अपनी स्पीच नेपाली में दी। इन्होंने परमिशन ली वहाँ के स्पीकर से और बोला कि मैं अपनी मातृभाषा नेपाली में स्पीच देना चाहूँगी, और इन्होंने वो पूरी स्पीच नेपाली भाषा में दी जिसमें इन्होंने गोर्खाली को लेकर के, देश को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, चीज़ों को सॉल्व किया जाए, लोग कैसे सफ़र करते हैं, क्या क्या होता है, लोगों के पेरेंट्स जो नहीं है वो लोग कैसे सफ़र करते हैं बिना पेरेंट्स, जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से जूझती है। तो साथ ही साथ इन्होंने अपनी बातें रखी है, अपने मुद्दे रखे हैं समाज को लेकर के और गोरखाओं को लेकर के, और नेपाली भाषा में स्पीच राज्यसभा में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अब देखिए कि इंडिया में राज्यसभा में भी आप नेपाली लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन और किसी कंट्री में अगर आप हिंदी बोलेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किसी देश में तो आप बोल ही नहीं सकते, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंट्री की लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा, आप किसी और लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इंडिया में देखिए नेपाली बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रॉपरली पूरा एक ही है नेपाल। इंडिया पूरा एक हिंदू कल्चर है, हिंदू लोग रहते हैं यहाँ पे, और बहुत ही प्रेम व्यवहार है दोनों का एक दूसरे के बीच में, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई भी किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है बिना किसी पासपोर्ट के।
सिर्फ आधार कार्ड आइडेंटिटी के बेस पर भी हम एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं, एक दूसरे की कंट्री में रह सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा माहौल है, ऐसा ही माहौल बरकरार रहे, ऐसे ही प्यार मोहब्बत से दोनों देशों के बीच में दोस्ती बरकरार रहे, बस यही मैं कामना करता हूँ। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ऐसी और इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो है तो उसका लिंक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी मैं चीज़ बनाऊंगा और आप लोग शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस नहीं, और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यहीं बरकरार रखिए, मुझे यहीं सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं देखिए और भी बेहतर वीडियो देगा और आप अपना शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।